नमस्कार, मैं आनंद शेखर आपका स्वागत करता हूं प्रभात खबर के बिहार न्यूज बुलेटिन में, जहां बिहार के विभिन्न जिलों की छोटी बड़ी घटनाओं से रूबरू होंगे। सिवान में बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ की बैठक की गई, जहां सभी कचहरी सचिवों ने अपनी मांगों पर चर्चा की। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जीतिया व्रत कर रही हैं, जिसे लेकर बाजार में सोने चांदी की दुकान में भीड़ दिखी। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर जीतिया व्रत के लिए व्रतियों की भीड़ उमड़ी। नहाय खाय के दिन स्नान के लिए सभी गंगा घाट पहुंचे। कैमूर जिला के छलखोरिया गांव के पास गुरुवार को विद्यालय जा रही एक शिक्षिका की मौत ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होने के कारण हो गई। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक अज्ञात शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। आरा के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र धनपुरा के सभी सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टी पर्पस असिस्टेंट की 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। भोजपुर जिले के रानी सागर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को जन सुविधाओं के बारे में बताया गया। कैमूर के बेलौरी गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसका सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। सिवान में एक महिला से एटीएम हेरा फेरी कर तीन युवकों ने उसके खाते से 65,000 रुपए की निकासी कर ली। भागलपुर के कहलगांव में पिछले दिनों हुई लूट के एक मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पानी भरा होने की वजह से छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों को आने जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आरा जिले के नवादा थाना क्षेत्र स्थित धोबी घटवा मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। धन्यवाद। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ, और इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए देखें प्रभात खबर.com। विश्वास वही रफ्तार नहीं।